जिस तरह से शैतान हमारे अंदर वसवसे डालता है, हमें गुनाह की तरफ लेके जाता है। उसने आदम अलैहि सलाम के आगे सजदा करने से इनकार किया, फिर अल्लाह के आगे वादा किया कि मैं इन्हें गुमराह करूंगा, मैं इनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ये ज्यादातर तेरे नाशुक्र निकलेंगे। शैतान का ये सबसे बड़ा वसवसा है कि शैतान आपको ये कहता है कि तू तो बहुत अच्छा है, तुझे तो ये जरूरत ही नहीं। हालांकि ये बंदा जो है जिसको शैतान के वसवसे में फंसा हुआ है, ये हो सकता है गीबतें भी कर रहा हो, चुगलियां भी कर रहा हो, लोगों के साथ शर का बायस बना, खुद शर का बायस बनाओ, लेकिन इसको ना अपना प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा था कि मैं कितना बड़ा अपने साथ नुकसान कर रहा हूँ। हराम में पढ़ के हराम कमा रहा होगा, हराम खा रहा होगा, हराम रिलेशनशिप में होगा, ठीक है, सुबह शाम हराम में पल रहा होगा, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है? वो जी हमारा बिजनेस में बड़ा नुकसान हो रहा है, वो जी मेरी शादी नहीं हो पा रही, लगता है कोई मुझसे हसद करता है। हमारी जो प्रायोरिटी है ना, हम लोगों ने असल में ये काम किया हुआ है कि हम दीन को भी ना दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसला नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप अल्लाह ताला से मांगे, चाहे आपके जूते का तस्मा भी टूट जाए ना, वो अल्लाह से मांगो। तो ये मसला नहीं है कि आप अल्लाह ताला से दुनिया मांग रहे हैं, दीन मांग रहे हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया ही मांगना और दीन ना मांगना ये प्रॉब्लम है। सिर्फ अल्लाह से कहना, या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, बिजनेस चल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरी लाइफ में लाइफ समर जाए, जिंदगी समर जाए, प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, डिफिकल्टीज दूर हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ आपने अपने दिल की हालत को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, उस दिन अल्लाह ताला ना तुम्हारा माल देख रहा है, ना तुम्हारी औलाद देख रहा है, सिर्फ तुम्हारे दिल की हालत को अल्लाह ताला देखेगा बस। हमारे बाज़ उलमा ने कहा कि अल्लाह ताला से दुनिया की उतनी दुआ करो जितना टाइम तुमने दुनिया में गुजारना है, और आखिरत की उतनी दुआ करो जितना टाइम तुमने आखिरत में गुजारना है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया में जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू आखिरत। तो इन्फिनिटी है, आखिरत तो एवर लास्टिंग है, इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, नेवर एंडिंग है। शैतान आपके ऊपर कई किस्म के हमले करेगा, आपको दीन से हटा देना, आपको दीन से फेर देना, आपको गुनाहों में डाल देना, ये शैतान का सबसे बड़ा अटैक। तो शैतान कोशिश करता है कि इंसान को ना आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों की तरफ लेके जाए, पहले आपसे शिर्क करवाएगा। जो लोग शिर्क करते हैं वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क ना करते, और ना हमारे बाप दादा शिर्क करते, और ना हम किसी चीज को हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने तकजीब की थी जो इनसे पहले थे। अगर आपने शिर्क नहीं किया तो चलो अच्छा नमाज छोड़ दो, ठीक है, बेसिक फराइज छोड़ दो अपने, अच्छा आपने वो भी नहीं छोड़े, अच्छा इनमें कोताही कर लो, फराइज में कोताही करो, कोताही भी नहीं कर रहे, अच्छा गुनाहों में लगा देगा आगे पीछे, ये गुनाह कर लो, वो गुनाह कर लो, नेकियां जाया कराएगा आपसे, कि नेकियां आप एक तरफ कर रहे हैं, एक तरफ दरवाजा भी खुला हुआ है, सारी नेकियां बाहर निकल रही है, यानी ये काम करवाएगा, और कुछ नहीं होगा तो आपको लेजी कर देगा इबादत में। अच्छा लेजी, अच्छा चलो पढ़ लेंगे ना यार नमाज, पढ़ लेंगे ना बाद में पढ़ लेंगे, या फिर आपको उसमें रियाकारी ले आएगा, आप अल्लाह के लिए नहीं लोगों के लिए नमाज पढ़ रहे, या और कुछ नहीं तो आपका टाइम जाया करवा देगा, उसको और कुछ समझ नहीं आएगी ना तो आपसे टाइम जाया करवाएगा। और इब्न कय्यिम रहिमुल्लाह ने फरमाया था कि टाइम को जाया करना ये मौत से भी बदतर चीज है, क्योंकि मौत तो सिर्फ आपको दुनिया से जुदा करती है, लेकिन टाइम का जाया करना आपको अल्लाह से जुदा कर देता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में वैसे भी इरशाद फरमाते हैं कि सूरह नहल के अंदर आयत नंबर 99 में, कि यकीनन शैतान जो है उसकी कोई पावर नहीं है, कोई कुदरत नहीं है उन लोगों पर जो ईमान लाते हैं। तो आप एक अच्छे मुसलमान बन के रहें, इंशाल्लाह रहमान कुछ नहीं होगा आपके साथ। अपने दुश्मन को समझो, उसके हथकंडों को समझो, उसके हथियार को समझो, और फिर उसके खिलाफ अपना डिफेंस अच्छा रखो।